एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी वाइब्स। और आज का व्लॉग जो है वो है मोमोज के ऊपर। मैंने एक पेज है जिसका नाम है मोमोज इन केप टाउन, तो मैंने वहाँ पे मोमोज देखे। और वैसे तो मैंने स्टीम मोमोज खाए हैं और एक की वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने देखनी होगी तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो मैंने स्टार्ट किया, देखना शुरू किया कि मतलब यार कुछ नई चीज़ मिल जाए। तो इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ी और वहाँ पर एक पेज था मोमोज इन केप टाउन के नाम से, और उन लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो उनकी स्पेशलिटी ये थी कि उनके जो मोमोज थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से बनाए गए थे। समथिंग लाइक मैं आपको ये दिखाऊँ, मैंने आज उनसे ऑर्डर करवाया है कि मैं भी ट्राई करके देखूं और आप लोगों को रिव्यू दूँ इस चीज़ का। तो मैंने आज उनसे जो है वो ये मंगाए हैं मोमोज। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ये हमारे पास है तंदूरी मोमोज, क्योंकि शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे क्लियर। तंदूरी मोमोज मंगाए हैं मैंने उनसे, और इसके अलावा जो है वो मैंने मंगाया है इनसे ये, तो उनको दिखाते हैं आपको मैंचूरियन मोमोज। मैंचूरियन मोमोज बनाए हैं और साथ ही साथ जो है वो, तो ये दोनों मोमोज जो हैं वो हमने बनाए हैं, मंगाए हैं, और केप टाउन ने हमें ये मोमोज दिए हैं। थैंक यू सो मच केप टाउन फॉर गिविंग अस दिस मील। तो अब जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको टेस्ट करके बताते हैं कि हमें ये कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। चिली ऑयल में जो है वो स्पाइसेस दली हुई हैं, तिल वगैरह दला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को देख रहा हो गिर ना जाए तो ये, खैर मैं आपको दिखा दूँ वाला। अब ये देखिए, ये है उनकी चटनी और उसकी चटनी आ गई साथ में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तंदूरी से, तंदूरी मोमोज स्टार्ट लेती हूँ। पहले मैं चिली ऑयल से खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे चिली ऑयल टेस्ट करने का बड़ा शौक हो रहा है कि यार ये कैसा है, इन्होंने जो बनाया है चिली ऑयल, स्पाइसी है या क्या है। वैसे तो स्पाइसी था लेकिन अब टेस्ट कर लेते हैं। माय गॉड, ओए होए, तो बहुत मिर्चें हैं इसके अंदर। चिली ऑयल का सब का सॉस जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है, बहुत मज़ेदार स्पाइसी हो रहा है। इसमें थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट है और बहुत मज़े लग रहा है, बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत मज़े के हैं। जिसका भी दिमाग चला है इसके ऊपर कि इसको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, बेइंतहा क्रिएटिविटी है, बहुत ज़बरदस्त है। चटनी के साथ टेस्ट करते हैं, गाइस लिटरली ये ना तंदूरी मोमोज बहुत मज़े के हैं। अंदर की फिलिंग मैं आपको दिखा दूँ एक, इसको बाइट करके चिली सॉस से करेंगे, चिली सॉस तो बहुत ही गज़ब है, बहुत गज़ब, बहुत मज़ेदार। इसमें ना खट्टा सा टेस्ट आ रहा है और स्पाइसेस आ रही है, यानी कि खट्टा और स्पाइसी मिक्स है, बहुत मज़े का है चिली सॉस इसके अंदर। ये देखें, आपको शायद दिख रहा हो कैसे फ्लेम हुई है, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है तो देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा इन्होंने स्टफिंग की हुई है इसके अंदर। स्टफिंग बहुत अच्छी है नो डाउट, फ्लेवर बहुत मज़े का है, बहुत गजब का बनाया हुआ है। बेहतरीन, अब
अब हम आ जाते हैं हमारे ये मंचूरियन पे। मंचूरियन टेस्ट कर लें। मंचूरियन मेरा वैसे भी फेवरेट है, तो मुझे तो बहुत पसंद है चाइनीज़ आइटम्स। और जब आ गए हैं ये मोमोज मंचूरियन के अंदर, तो मैंने कहा लाजमी मुझे ये टेस्ट करना है। मुझे तो पक्का उम्मीद तो थी मुझे, और उम्मीद है अभी भी स्टिल, कि ये बहुत अच्छा होगा टेस्ट में। आगे देखते हैं। जिसे कहते हैं ना टू गुड वाली चीज़, और जिसको खाते के साथ ही मुंह से निकलता है वाह, वो है ये। बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ लिटरली इन दोनों चटनी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने अंदर ही एक बड़ा सा ज़बरदस्त फ्लेवर है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है। इसके अंदर ना इन्होंने नीचे सॉसेस दिया हुआ है बहुत सारे, ये प्याज वगैरह डाली हुई है इसके अंदर, शिमला मिर्च है, और तिल विल वगैरह डाले हुए हैं। इसे आप अगर देखें तो ये कितना ज़्यादा जो है वो डिप हुआ हुआ है, ये देखिए कितना ज़्यादा ये डिप हुआ हुआ है, दिख रहा है आपको? इसको आप देख सकते हैं, ये हर तरह से ना एक पूरा कंप्लीट सॉस में लिपटा हुआ है, इतना ज़्यादा सॉसी हो रहा है और इतना ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। लिटरली हाईली रिकमेंडेड, आप लोग ज़रूर खाएं, ज़रूर टेस्ट करें। बहुत यूनिक और बहुत अच्छा आइटम है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सबसे बड़ी बात टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। गाइस मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को पसंद आएगा ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। ज़रूर मंगाएं, ज़रूर खाएं, एक दफ़ा तो टेस्ट करना बनता है, और न्यू आइटम्स को टेस्ट करना तो लाजमी बनता है, एक बार तो ट्राई कर लीजिए। और मैं पूरी श्योर हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग ये मंगवाएं, खाएं, और इसका जो टेस्ट आपको लगे, जैसा भी आपको लगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ना, मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कैसे ऑर्डर देना है, और इनका मेन्यू वगैरह जो कुछ भी है ये आपको खुद शेयर कर देंगे, तो आप इनको मैसेज कर सकते हो। यार सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, ये बेहतरीन है। हमारी वीडियो एंड होती है भाई, ये ना एक कंप्लीट मील है, जरूर खाएं, जरूर आप इनको ऑर्डर करें और एक दफ़ा ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा है। इनकी क्वालिटी, मोमोज़ की क्वालिटी, मोमोज़ की फिलिंग, सबसे बड़ी बात क्वांटिटी, सब बहुत अच्छा है, लिटरली आउटस्टैंडिंग। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नई चीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।